है और ये इसलिए मनाते हैं कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहे, और सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो पूरे तौर पे सरकार उठाए। लेकिन कल आप देखिए कि जैसे लाडवा के अंदर महिलाओं को पंचकुला की जो महिलाएं थी, फरीदाबाद की महिलाएं थी, करनाल की उसमें शामिल थी, उन सब महिलाओं को चक्कर कटवाए, पहले जगाधरी लेके गए, रायपुर रानी लेके गए और फिर रात को उनको लाडवा में ले जाके छोड़ दिया। और उसके बाद आप ये देखो कि वहाँ पर वो साथी धरना दिए बैठे हैं, जुलूस निकाल रही है, पंचकुला तक जाने के लिए कोई बस का अरेंजमेंट वहाँ सरकार करने के लिए तैयार नहीं थी। आप ये देखिए कि कई जगह पे शाहबाद के जो थाने हैं, अंबारा के जो थाने हैं, वहाँ पे सोनीपत की आशा वर्कर्स, जींद की आशा वर्कर्स, उनको पकड़ पकड़ के वहाँ पे बंद कर रखा था गाड़ियों समेत, और उन महिलाओं को तब छोड़ा गया है जब बिल्कुल रात हो गई है। कई ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनकी चाबियां छीन ली गई। तो किस तरीके से रातों को जो महिलाएं इतना असुरक्षित हाल में उनको सरकार ने छोड़ दिया, तो किस तरह की सुरक्षा ये सरकार कर रही है? आप ये देखिए कि जो अपराधी हैं उनको सरकार पकड़ नहीं रही है। जो यौन हिंसा के आरोपी हैं मंत्री संदीप सिंह, आप सबने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने जो जूनियर कोच है शिक्षा डागर उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और लगातार 8 महीने तक वो FIR दर्ज होने के बाद भी चार्जशीट पुलिस ने पेश नहीं की, लेकिन लगातार अपना आंदोलन उसमें रहा। उसके बाद अभी चार्जशीट पेश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और सरकार कहती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा हमारा नहीं है, हम हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। लेकिन कल जिस तरीके से पुलिस को तैनात किया गया, तो वो पुलिस कल कहाँ से आई इतनी बड़ी संख्या में? कल कैसे एक एक आशा वर्कर के पीछे इतनी बड़ी संख्या में पुलिस लगा दी गई? तो हम ये कहना चाहते हैं कि असल में जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको तो सरकार ने अपने पल्लू में छिपा रखा है, और जो महिलाएं अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, उनको इस तरीके से दुश्मनों की तरह एक तरह से व्यवहार सरकार कर रही है। क्या आज इस मंच के माध्यम से सरकार की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं सरकार से, जन्मादि महिला समिति की तरफ से, कि जल्द से जल्द आशा वर्कर की मांगों को पूरा किया जाए, वरना पूरे हरियाणा भर की महिलाएं आपके समर्थन में आएंगी, पूरे हरियाणा भर में जन्मादि महिला समिति आपके समर्थन में सड़कों पर उतरेगी, इस आश्वासन के साथ कि आप अकेला अपने आप को न समझे, हम सब आपके साथ हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए केवल ये कहते हुए कि आप सब आशा वर्कर होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, और एक महिला होने के नाते जो महिलाओं के साथ जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, जो महिलाओं के साथ जो उनका जीवन की स्थितियां बनी हुई हैं आज के समय में, उनके ऊपर भी संघर्ष करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये सही बात है कि जो आशा वर्कर हैं वो महिलाओं के लिए ही काम करती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि आशा वर्कर के ऊपर जितनी तरह का काम लाद दिया गया उसकी वजह से जो मातृ मृत्यु दर है वो हरियाणा की बढ़ गई है, ज्यादा संख्या में महिलाएं मरने लगी हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? कारण वो ये बताते हैं कि आशा वर्कर उसके पीछे कारण है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। लेकिन उसके पीछे असल में कारण ये है कि सरकार को जो स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करना चाहिए और आशा वर्कर को जो काम अलॉट किए गए हैं सिर्फ वही काम उनसे करवाए जाएं, डॉक्टर्स जो हैं वो हो हॉस्पिटलों के अंदर, वहाँ पे सारी मशीनें हो, तो ये किसी तरीके से जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो PHC CHC है
डिलीवरी हट जो बना रखे हैं वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है डिलीवरी करवाने के लिए, वहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, तो अगर वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं होगी तो क्या होगा? मृत्यु बढ़ेगी महिलाओं की, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चों की भी मृत्यु बढ़ेगी। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, जनवादी महिला समिति की तरफ से भी, कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, जिसके लिए जो आशा वर्कर है वो दिन रात मेहनत करती हैं, कोविड महामारी में भी दिन रात मेहनत करी, बिल्कुल कमर तोड़ काम किया, और इसी काम की बदौलत पूरे दुनिया के अंदर एक नाम गया है, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का एक नाम रोशन हुआ है। तो इस नाम को अगर बचाना है तो आशा वर्कर को जो काम अलॉटेड है उनसे सिर्फ वही काम लिए जाए, दूसरे काम उनके ऊपर ना लादे जाए, और साथ साथ स्वास्थ्य के ढांचे को भी मजबूत किया जाए, तभी ये मातृ मृत्यु दर कम हो सकती है। इसी बात के साथ कि आप सबका जो ये आंदोलन इतनी मजबूती के साथ चला हुआ है, इसमें पूरे तन मन धन से आपके साथ है, कहीं भी कोई जरूरत है तो आप सब साथी हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे हरियाणा की महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद सुविता जी का महिला आंदोलन की तरफ से जो आशा वर्कर